हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज हम जो हमारे सीजीएल मेंस 2022 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसमें सभी जो जनरल स्टडीज़ के जितने भी शिफ्ट में अलग अलग पेपर थे, ठीक है, चार शिफ्ट के, वो हम लाइन से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो शिफ्ट वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूछा गया था, वो कंपोज्ड तबकाते नासरी इन दी दिल्ली सल्तनत पीरियड। अभी इस जो हमारी पूरी जो वीडियो होगी, इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हो, या फिर जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है, उनको यहाँ पर हम बताते चलेंगे। जैसे कि एक टॉपिक आपके सामने निकल के आ रहा है, सल्तनत एरा में क्या लोग याद करने की कोशिश करने लगते हैं, राजाओं का कालक्रम याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि इसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो उसने कौन सा अभियान जीता, कहाँ पर उसने आक्रमण किया। जबकि उस पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कहाँ का है कि किसने कौन सी बुक लिखी दिल्ली सल्तनत से। आपको क्या करना है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एंशियंट जो हमारी हिस्ट्री है उसका, मिडिवल जो हिस्ट्री है उसका, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके, वहां पर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं, उनकी जो आप बुक्स का आप 2-3 पेज में उनको सम अप करके रख सकते हो ताकि लास्ट टाइम पे रिविजन कर पाओ। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया तबकाते नासरी जो बुक थी उसे किसने लिखी थी, तो इसका तो वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिन्हाज उस सिराज हो जाएगा। अब जो हसन निजामी है, अगर हम इनकी बात करते हैं कि हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इनकी पुस्तक का नाम था ताजुल मासिर। ठीक है, हसन निजामी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी ताजुल मासिर। ठीक है, ताजुल मासिर इनकी, हसन निजामी की बुक थी। अमीर खुसरो की आप सब जानते हो भाई, अमीर खुसरो की फेमस जो बुक थी क्या थी, नुहू सिपिहर। ठीक है, नुहू सिपिहर उनकी बुक थी। जियाउद्दीन बरनी की अगर बात की जाए, तो जियाउद्दीन बरनी, वैसे तो इनका मतलब इनने काफी सारी जो बुकें लिखी हैं, पर जो इनकी सबसे फेमस बुक है वो ये, वो कौन सी है, तारीख ए फिरोजशाही। ठीक है, इनकी सबसे जो फेमस बुक है वो कौन सी है, तारीख ए फिरोजशाही। ठीक है, हमें याद रखना है, ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही। तो सबसे पहले हसन निजामी ने कौन सी बुक लिखी है, ताजुल मासिर। ठीक है, अमीर खुसरो की आपको पता है, नुए सिपिहर। मिनाज उस सिराज ने कौन सी बुक लिखी है, तबकाते नासरी। जियाउद्दीन बरनी की कौन सी है, तारीके फिरोजशाही। तो क्वेश्चन वन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं। और यहां से कौन सा पॉइंट निकल के आया कि बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर हमें ये वाला पॉइंट करना है, इसके लिए 3-4 पेज के आपको नोट्स बना के रख लेने हैं। ठीक है, एक बार की मेहनत है, उसके बाद हर बार रिविजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब दूसरा आ गया यहाँ पर फिजिक्स, आप देख सकते हो फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान से यहाँ पर प्रश्न है। पूछा गया है जो तार होता है उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पे डिपेंड करता है। ये तो बहुत मतलब जनरल सा यहाँ पूछ लिया है, इसमें पता है स्टेटमेंट ये भी बन सकती है, अगर आपसे बोल दे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है, ऐसे करके भी होता है। तो जो तार का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमेशा याद रखना तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है तार की लेंथ कितनी बड़ी है। ये जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली मतलब जो होगा रेसिप्रोकल होगा किसके भाई, जो हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके डायरेक्टली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब आप उसको कह सकते हो कि हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है, ठीक है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर। समझ गए, तो यहां पर अगर हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बैठती है, तो पहला वाला कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है, डिपेंड करता है लेंथ पे, बिल्कुल ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर पढ़ा हुआ है क्लास 7th में, तो अगर उसकी बात कर रहा होता है कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट कर सकता है, पावर जनरेट कर सकता है, वो कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेट करता है, बट यहाँ पर जो इसकी बात हो रही, रेजिस्टेंस की बात हो रही, प्रतिरोध की बात हो रही है, वो डेंसिटी से उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ऑल कंडक्टर मतलब एक्सट्रीम सेंटेंस है। तीसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अब यहां से आपको क्या समझ में मिलता है कि हमें किस तरह के टॉपिक्स को तैयार करना है, जब हम फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, तो यहाँ फिजिक्स को देखते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स में पूरा पढ़ने बैठ जाओ, पूरा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में कर लो। ठीक है, कुछ जो सिद्धांत होते हैं जैसे चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, इस तरह के की जो प्रतिरोध होता है,
उसका क्या नियम है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके अलावा जो वैद्युत विभव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है, इन सब चीजों को आपको थोड़ा तैयार कर लेना है, इनकी डेफिनेशन को तैयार कर लेना है। जनरल सी चीजें, मतलब डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि इस तरह के क्वेश्चन आप तब इजिली कर पाते हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ते समय भाई जाहिर सी बात है जिसने थ्योरी प्रपोज की होगी उसका नाम वहां पर हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे मैरी एम्पियर जो थे उन्होंने ये पूरी थ्योरी दी थी। माइकल फेराडे ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात की थी, ठीक है ना भाई। माइकल फेराडे ने क्या किया था, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात की थी, और जो हमारे जोसेफ हेनरी थे, ठीक है, जोसेफ हेनरी ने क्या किया था, तो जोसेफ हेनरी जो थे इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं, उस पर बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया कि थ्योरीज करनी है, किसने प्रपोज की है ये जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द एस्टिमेट्स कमेटी, पॉलिटी से क्वेश्चन है, एस्टिमेट कमेटी यानी कि हिंदी में प्राकलन समिति को पहली बार कब किस वर्ष में बनाया गया था। अब ये सुपरलेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सुपरलेटिव मतलब पहली बार ये घटना कब हुई, बाद में कब हुई, तो जो एसएससी है वो ज्यादातर पॉलिटी हो गया, आप पॉलिटी कह सकते हो या करंट अफेयर कह सकते हो, यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहली बार ये कब हुआ, पहली बार कोई पुल नया बना है तो उसकी बात करेगा, बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा, तो सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर भारत में पहली बार प्राकलन समिति, ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ते समय अलग अलग कमिटीज को हम वैसे भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, प्राकलन समिति होती है, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो पहली बार कब आई थी भाई, 1948, 50, 47, 49, 47 में आई होगी, नहीं 48 में आई, नहीं, इसमें करेक्ट आंसर वैसे तो 1950 है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो आपको पता है इसमें 30 लोग होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो प्राकलन समिति थी ऐसा नहीं था कि ये काम नहीं कर रही थी, ये काम कर रही थी, बट इसका नाम दूसरा था, तब इसका नाम था फिनेंस कमेटी यानी वित्त समिति आप इसको कह सकते हो। बाद में जो जॉन मथाई थे उनकी अनुशंसा पर एक कमेटी बैठा ली गई थी, जॉन मथाई की आप कह सकते हो अध्यक्षता में, ठीक है। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, एक एस्टिमेट कमेटी की स्थापना करनी चाहिए, हर साल इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, 30 लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, एक साल के लिए काम करते हैं, 300 के 300 लोग किससे होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं, ठीक है, लोकसभा से होते हैं, ठीक है, लोकसभा से 300 के 300 लोग होते हैं, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन जनरली आप कोई भी बुक उठा लो, लूसेंट जिसको लोग बोलते हैं कि लूसेंट से सब मिल जाएगा, इसको ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ये इस वजह से अजीब क्वेश्चन है आप, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब स्थापना डेट दे रखा है कि इस तारीख को बना था। दूसरा कह रहा है खेत्री का जो कॉपर कॉम्प्लेक्स है वो राजस्थान में है, हेडक्वार्टर ऑफ MECL कहाँ पर है, लोकेटेड इन जयपुर है। तो ये आसानी से आपको मतलब इतना स्टैटिक है कि ये कहीं पर ऐसे नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में क्या करना है, पेपर में अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है, आता है तो अटेम्प्ट करना, वरना छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को जबरदस्ती अटेम्प्ट करके 3 नंबर गंवाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 3 क्या 4 नंबर जाएंगे, एक सही वाले का भी एक आप लेके चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में जनरली अटेम्प्ट नहीं करना होता है, और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में अलग अलग बुक्स भी मत पढ़ने लगना कि ये बुक पढ़ लेते हैं वो बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में ये रहते हैं न्यूज में, अगर याद है तो ठीक है, वरना इनको स्किप कर दो। फिलहाल खेतरी वाले से आप इतना अंदाजा लगा सकते हो, एंशियंट हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनको भाई जो आप कहते हो कॉपर वगैरह कहाँ मिलती थी, तो जो ये खेतरी की जो माइंस थी वहीं से मिलती थी, तो अंदाजा लगा सकते हो राजस्थान के आसपास थी। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, अब 2 के बेसिस पे आप कर सकते हो तो केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, डी, फिर भी एक ए बी और सी में आपको कंफ्यूजन रहने वाला है, तो इससे बढ़िया है इसको फिर फर्दर आगे मत जाओ लेकर, छोड़ दो भाई, जिद छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो MECL है, ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड, ठीक है, MECL, ये जो है ये जयपुर में नहीं है, पुर तो है पर जय वाला नहीं, नाग का है, ठीक है, नागपुर में है ये, नागपुर महाराष्ट्र में ये है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो 3 अगर आपको पता होता तो तब आंसर आपके लिए ईजी हो जाता, 1 और 2। अब यहाँ पर क्या समझने को मिलता है कि एक हमें पेज बनाना है, एक या डेढ़ पेज, 2 पेज बनाने हैं, उसमें जो नवरत्ना है, जो महारत्न, ये जो कंपनी है नवरत्न और महारत्न, इनके स्थापना वर्ष और इनका हेडक्वार्टर एक लाइन से बना के रख लो,
ढाई पेज मुश्किल से होंगे, आगे आने वाले कई सारे एग्जाम के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो नवरत्न कंपनी है ठीक है, नवरत्नास जो है और जो महारत्नास है ठीक है, महारत्नास इनका क्या करना है, यहां पर हमें लिखना है एस्टेब्लिश ईयर और यहां पर हमने लिखना है हेडक्वार्टर, और बस इसके सामने ऐसे ऐसे करके डालते चले जाओ एक टेबल में, आपको हमेशा के लिए वो हो जाएगा आपके, ताकि आगे के पेपर के लिए इजी रहेगी चीजें ठीक। चलो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट, बहुत इजी वाला है भाई, इसको तो ऐसे इसमें कुछ बड़ी बात लिखी नहीं है, कि जो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कहाँ की गई है, प्रेम्बल आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं बोला गया कि वेलफेयर स्टेट होगा, लेकिन जब आप डीपीएसपी की बात करते हो तो वहां पर बहुत सारी सरकार के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो डीपीएसपी बात करता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। बेसिकली बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल के थ्रू, सबसे गलत अप्रोच है अगर हम आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें उसको पढ़ना है पार्ट के तौर पर, कि जो पार्ट एक है वो किन चीजों के बारे में बात करता है, पहले आप पार्ट एक बार कर लो, देन सुप्रीम कोर्ट को सेपरेट करो, सुप्रीम कोर्ट या मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है उसको एक साथ करो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पार्लियामेंट कह सकते हो उसको एक साथ करो, जब आप ऐसे करोगे तो आपको सारे आर्टिकल भी रिवाइज हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा ठीक है। तो डीपीएसपी में हो गया वेलफेयर स्टेट की बात, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें कहाँ से ली गई थी भाई, मौलिक कर्तव्य आप सबको पता है यूएसएसआर से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गए यूएसए से लिए गए, प्रेम्बल यानी प्रस्तावना कहाँ से ली गई ये भी हमने यूएसए से ली है, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है तो आप सबको पता होगा भाई कहाँ से लिया था, आयरलैंड से लिया था ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल, अब देखो आर्टिकल लोग आप बोलोगे कि सर देखो आ गया ना आर्टिकल से क्वेश्चन, आप बोलो आर्टिकल नहीं करना है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने क्या बोला, अगर आप अब देखो ये कायदे से अगर आप देखोगे तो ये सारे आपको बॉडीज नजर आ रही हैं, कमीशन बॉडीज ऐसे नजर आ रही हैं, तो तीन तरह की जो होते हैं तंत्र होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय, एक होता है आपका स्टैचुएटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय जिसके पीछे कोई एक्ट काम कर रहा हो, जैसे कि अगर हम बात कर लें सेबी की ठीक है, सेबी क्या है एक स्टैचुएटरी जो है निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, क्या नीति आयोग को किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, नहीं, तो ये बिना किसी एक्ट के बनी हुई बॉडी है ठीक है। तो इस तरह से तीन बॉडी में हम क्लासीफाई कर लेंगे। अब जो संवैधानिक निकाय है अगर हम उसको एक लिस्ट में लिख लें, कि जो कैग हो गया एक संवैधानिक निकाय, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ठीक है, ये सारे, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ठीक है, इनके हमने अगर एक बार में तैयार कर लिए तो आर्टिकल भी तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी रहेगा एकदम क्लियर रहेगा कि ये जो है संवैधानिक है ये संवैधानिक नहीं है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि ये वाला जो है संवैधानिक निकाय, आप सीधे बोलोगे हाँ भाई इसको मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, इसके बारे में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, यानी ये संवैधानिक तो नहीं है, तुरंत आप वाला स्टेटमेंट वहां पर इनकरेक्ट कर पाओगे और एलिमिनेशन के थ्रू आगे बढ़ पाओगे, बात क्लियर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, आर्टिकल 270 आप सबको पता है भाई, फिनेंस कमीशन की बात करता है, जो है हमारा वित्त मंत्री, जो वित्त क्या बोलते हैं, वित्त आयोग हिंदी में बोलते हैं, वित्त आयोग की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू, ये जो है बेसिकली ये सांविधिक निकाय है, स्टैचुएटरी बॉडी है ठीक है, 1990 में इसकी स्थापना हुई है, 1992 में इसके आसपास इसका एक्ट आया था, सॉरी 1992 में इसकी स्थापना होती है, 1990 का एक एक्ट था उसके थ्रू ठीक है, संविधान में इसकी कोई बात नहीं की गई है, फिनांस कमीशन आर्टिकल 280, एडवोकेट जनरल, अगर क्वेश्चन में ये आ जाता कि एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल के थ्रू नियुक्त होता है, तो लोगों ने गलती क्या कर देनी थी कि उसको 76 मार्क कर देते, लेकिन वो एडवोकेट जनरल नहीं होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अगर एजीआई की बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो हमारा आर्टिकल 76 आ जाता है, लेकिन यहां पर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, और आप सबको पता है जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है वो कौन से आर्टिकल में होता है, वो होता है 165 में ठीक है, 165 के आसपास, यही मतलब ये आर्टिकल होता है जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात की जाती है। अब बात कर लेते हैं सीवीसी की, क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय तो नहीं है ठीक है, दिमाग से ये बिल्कुल क्लियर कर लेना। क्वेश्चन याद आता है कि जो सीवीसी है इसकी स्थापना किसके किस कमेटी के अनुशंसा पे हुई थी, तो के संथानम करके कमेटी थी ठीक है, के संथानम उनकी रिकमेंडेशन पे ये जो है सीवीसी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी 1964 में ठीक है भाई। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड की बात हो रही, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कब ये बनाया गया था, इट वॉज क्रिएटेड इन 2005। चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं पता है कैसे करना ये वाला क्वेश्चन, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये न्यूज में था इस वजह से यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, करंट अफेयर में आप इसको कह सकते हो, लेकिन ऑल दो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए ये सारे के सारे स्टैटिक टाइप के हैं, मतलब इनमें आप कुछ देखोगे तो ऐसा नहीं जो डायनेमिक है, ठीक है, ये जैसा है वैसा ही अभी तक है। चलो, बोल रहा है कि जो NIF है इसको 2005 में बनाया गया था, दूसरा कह रहा है कि इसकी वार्षिक आय का जो इसमें जो भी प्रॉफिट वगैरह आता है उसका 75% हिस्सा आप इसको कह सकते हो एक तरीके से सोशल वेलफेयर टाइप में चला जाता है, और 25%, अच्छा ये लिखा ही नहीं, चलो 75% हिस्सा सोशल वर्क वगैरह में चला जाता है, और 2018 में इसे भंग कर दिया गया। क्या ऐसी बात है? नहीं, पहली बात तो इसे भंग नहीं किया गया, 2018 में नहीं, इसे 2013 में डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है, 2013 में इसके फिर मैंडेट वगैरह सब चेंज कर दिया गया, एक दूसरी तरह से इसको परिवर्तित कर दिया गया, तो 2018 से इसका कोई लेना देना नहीं। स्टेटमेंट थ्री यहाँ पर इनकरेक्ट होगी, तो स्टेटमेंट थ्री आप काट दो, तो केवल अभी भी आपका एक स्टेटमेंट कटा है, एक और दो और चार अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं। अब पहला स्टेटमेंट देखो, क्या इसे 2005 में बनाया गया था? भाई बताइए, क्या इसे 2005 में बनाया गया है? क्या 2005 में इसका जो है इसका मैंडेट आया था, 2005 से इसकी स्थापना की गई थी? तो अगर ऐसा है तो भाई ऐसा नहीं है, आपको लगता है 2005 में बनाया गया था, सॉरी अगर आपको लगता है 2005 में बनाया गया था तो बिल्कुल सही है, 2005 में ही ये बना है। 75% हिस्सा जो हिस्सा होता है जो ये साल भर में कमाता है उसका 75% हिस्सा जो राजस्व के कार्य होते हैं, जैसे कि जिनसे समाज का कल्याण होता है, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सेक्टर में जाता है, और 25% हिस्सा जो है इसका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिससे कोई नई संपत्ति का निर्माण होता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसका 25% हिस्सा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2013 में इसको डिसॉल्व किया गया था, तो 1 and 2 इज करेक्ट हियर, तो जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, भीमबेटका की बात कर लेते हैं, भीमबेटका कहाँ पर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीएंट हिस्ट्री में 50 बार आपको पढ़ते हैं, ठीक है, किसने इनको ढूंढा था, तो वाकणकर जो साहब थे उन्होंने इसको ढूंढा था मध्य प्रदेश में। बेसिकली ये मध्य पाषाणकालीन जो है साइट आप इसको कह सकते हो, मध्य पाषाणकालीन यहाँ पर जो पेंटिंग वगैरह है वो मिली है, ठीक है, तो ये इजी था, इसमें बहुत कुछ नहीं है, एनसीएंट नॉर्मल एनसीएंट हिस्ट्री कहीं पे भी पढ़ोगे ये क्वेश्चन 50 बार किया हुआ मिलेगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था उस पर क्वेश्चन है कि भाई इसको किस नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आप सबको पता है 1909 के बेस आया था, उसके बाद मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन जो पद्धति थी उसके चक्कर में इनको अलग सीटें दिए जाने लगी, इनके लोग ही इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा करके कर दिया गया ताकि देश में क्या हो, सांप्रदायिकता क्या हो, बढ़ने लगे। तो 1909 के आसपास किया गया था, अब 1909 सिर्फ यहाँ पर है, तो आंसर तो इसका बड़ा ईजी हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि ये पहली बार था, अब धीरे धीरे पेपर में डेप्थ आनी शुरू होगी, यहां पर आपको सिर्फ अब नाम नहीं रटने हैं, आपको ये जो एक्ट चारों लिख दिए गए हैं इनके अंदर तीन तीन चार चार जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 में क्या था, ठीक है, किससे रिलेटेड था पहले ये देख लेना। रॉलेट एक्ट सब पढ़ते हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट का नाम क्या था, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919, ये आपको याद रखना, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। सबसे पहले कौन सा, मतलब विटामिन बी में कौन सा वाला सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था 1897 में, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग जो है प्रकार, इसमें सबसे पहले कौन सा डिस्कवर किया गया था। तो अब ये भी किसी बुक में ऐसे रेंडमली नहीं मिलेगा आपको कि आप किसी कोई भी बुक उठा लो जीके की, उसमें ये मिलने वाला इफेक्ट प्रोबेबली ये नहीं मिलेगा। क्यों? बुक में क्या होगा, विटामिन होंगी, विटामिन के साइंटिफिक नेम होंगे, डिसीज होंगी, किसने ढूंढा है बहुत मुश्किल से हो सकता है कि ये मिल जाए, लेकिन किस सन में ढूंढा गया था ये रेयर है कि ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो रखी है, नहीं आता है तो चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है, जबरदस्ती जिद ना करना, वरना क्वेश्चन क्या कर लोगे, गलत कर लोगे। फिलहाल इसका आंसर अगर अब बात करो 1897 में कौन सा वाला पहले ढूंढा गया था, तो थाइमीन ढूंढा गया था, कैसिमर फंक साहब जो थे उन्होंने ढूंढा था। फॉलेट का मुझे याद है, तो मैं फॉलेट का आपको जो है, फॉलेट का मुझे याद है, इस वजह से मैं आपको फॉलेट का बता सकता हूं। भाई फॉलेट को 1931 में जो लूसी विल्स थे उन्होंने ढूंढा था, ठीक है, फॉलेट को 1931 में लूसी विल्स जो थे उन्होंने
जो है बनाया था, ढूंढा था, आप जो भी कह सकते हो, तो 1931 में लूसी विल्स ने फॉलेट को ढूंढा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बेस्ड ऑन अ क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस, मतलब किस ईयर में इसको ढूंढा वगैरह था, किस में इसकी भविष्यवाणी वगैरह की गई थी। बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो एकदम कि ये क्वेश्चन भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर 2022 में था, ठीक है, और 2021 में इसकी बहुत चर्चा थी, करंट अफेयर में बहुत था ये, ठीक है, तो वहां से ये डायरेक्टली क्वेश्चन बना है। तो जिस्ट क्या पूछा गया है, ईयर पूछा गया है, फिर भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या याद कर सकते हो, करंट अफेयर की ज्यादा से ज्यादा मैगजीन्स में क्या था कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये क्या है, तो मैटर का नया प्रकार है, ऐसे करके था, उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं था कि किस ईयर में उसकी भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब जो एकदम दिमाग से परे जाकर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भी भाई छोड़ ही देना, रिस्क मत लेना, मैथ्स रीजनिंग वगैरह है उनमें ज्यादा क्वेश्चन में बनेगा, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आता है छोड़ दो, कोई शर्म की बात नहीं है। यहां पर इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924, ठीक है ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग, अब यहां पर आता है कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने अच्छे से कर रखा है, कम जो जो संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं अगर आपने वो कर रखा है, ठीक है, गैर संक्रमण वाली बीमारी अगर आपने ये कर रखे हैं, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है, ठीक है, वो इन्फेक्शियस जो होती है वो ट्रांसमिट होती कैसे, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे अनइफेक्टेड पर्सन में थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट लाइन, अपने आप में ही वो स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि सेक्सुअली है, मतलब सेक्स से ही इधर उधर फैलेंगी। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, एचआईवी, अब एचआईवी सब जानते हैं कि हाँ ये तो सेक्सुअली फैलती है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। एचपीवी, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरस, क्या ये इससे मतलब ये भी फैलते हैं इस तरह से, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हेपेटाइटिस बी जो है वो भी सेक्सुअली क्या होता है, फैल सकता है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। आप ऐसे कॉन्सेप्ट कैसे करोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, अगर आपने लिस्ट में ये पढ़ा हुआ है कि जो हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, ये सब जो है संक्रमणशील बीमारियां हैं, सेक्स वेक्स के थ्रू फैल सकती है, तो आप आसानी से इसको इजिली कर सकते थे, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यहाँ पे था नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कि मतलब एक जो हिंदी में आप देख लो कहते हैं, आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर पर स्विच करके प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करती है, अवसाद रोधी तो लग नहीं रहा है, ठीक है, अवसाद रोधी हो नहीं सकता है, डिप्रेसेंट्स ऐसी कोई चीज नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या तो एगोनिस्ट होगा या विरोधी होगा, ठीक है, या तो एगोनिस्ट होगा या फिर क्या हो जाएगा भाई, विरोधी होगा, तो यहाँ पर जो ऐसी दवाई होती है उसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, एगोनिस्ट, और इसका जो उल्टा कार्य करेंगी वो क्या हो जाएंगी, एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फोर सीजन ऑफ इंडिया, भारत में जो ऋतुएं होती हैं उनमें से कौन सा नहीं है। कोल्ड, भाई पता ही आपको, ठंडी तो अच्छी खासी होती है, ठीक है, गर्मी भी बहुत अच्छी खासी होती है, अगर नहीं पता है तो एक बार उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में जाकर जून जुलाई का मौसम व्यतीत करके देखिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, और दोपहर के 12 बजे क्रिकेट खेलने निकल जाइए। फिर आता है ऑप्शन 3, द साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून ये है केरला का तट, यहीं से तो साउथ, ये साउथ है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो यहाँ साउथ वेस्ट पड़ेगा, यहीं से तो हवाएं चलती, तब जाकर ये पर्वत पश्चिमी घाट है, इसके सारे बरसात वगैरह होती है, और कुछ शाखाएं यहाँ से बरसात करती है बंगाल की खाड़ी से, तो साउथ वेस्ट भी एक मानसून भी एक सीजन है, बारिश का सीजन है, लेकिन कोई साउथ ईस्ट मानसून कोई ऐसा है कि यहाँ से हवाएं आती है और बारिश करती है, ऐसा कोई मानसून इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया जो पड़ता है लैटिट्यूडनल, अगर आप इंडिया की लोकेशन देखोगे तो वो कहाँ पड़ता है भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा उपोष्ण कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इंडिया का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, और जो भी ऐसे क्षेत्र होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उनमें कौन सी हवाएं चलती हैं, व्यापारिक पवने, जिनकी दिशा क्या होती है, उनकी दिशा होती है उत्तर पूरब से, उनकी दिशा क्या होती है, हाँ, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो अगर इंडिया में यहां से आने वाली वर्षा करे हवाएं वर्षा करेंगी, तो उसके लिए प्रोबेबली होना ये चाहिए कि इंडिया के अपर पोर्शन पे कहीं ओशियन वगैरह होना चाहिए, जहां से वो मॉइस्चर लेके आए, बहुत सारा जो है आर्द्रता लेके आए और बारिश करा पाए, लेकिन इंडिया के ऊपर आपको क्या मिलेगा, हिमालय और
चाइना मिलेगा, तो लैंड मास इतना बड़ा है तो मॉइस्चर मिलेगा नहीं, तो बरसात वगैरह हो नहीं सकती, तो इस वजह से ऐसा कोई सीजन यहाँ पर बनता नहीं है। ऑप्शन फोर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ रिटायर्ड प्रेसिडेंट के बारे में कोई अपमानजनक कोई बात लिखी होगी कि उनकी सैलरी कम है, सब कुछ तो बहुत अच्छा मिलेगा ना उनको, और ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको केवल एलिमिनेशन अपने आप से कर सकते हो कि हाँ जो प्रेसिडेंट साहब है उनको 2.5 लाख रुपए का वेतन तो जो वेतन तो है जो मिलेगा, क्या गलत है इसमें, मिलेगा भाई, बिल्कुल सही बात है। उनको वो इंटाइटल्ड होते हैं, उनको चीजें मिलती है, उनको एक सेक्रेटेरिएट ऑफिस मिलता है, प्राइवेट सेक्रेटरी मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा, और 1 लाख तक का ऑफिस एक्सपेंस मिलेगा। हाँ मिलेगा, क्या इशू है इसमें, ठीक है। उसके बाद फ्री हाईएस्ट क्लास ट्रेवल उनको, मतलब भारत में या कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए क्या है, मतलब ट्रेवल करने के लिए एक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं मिलेंगी। एक आईएएस ऑफिसर को मिल रही होती है, तो फिर वो तो प्रेसिडेंट है भाई पूरे देश का, एक समय पे उसने क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया हुआ है, हेड ऑफ स्टेट थे वो, ठीक है, हेड ऑफ कंट्री थे, हेड ऑफ स्टेट आप कह सकते हो, तो इतने बड़े जो पद पे रह चुके हैं उनको इतनी सम्मान देना तो बनता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनके आर्टिकल आर्टिकल 52 भाई भारत का एक जो है राष्ट्रपति होगा, ठीक है, आर्टिकल 61 महाभियोग के जो बातें हैं वो लिखी होंगी, आर्टिकल 72 कि जो राष्ट्रपति होगा उसको क्षमादान की शक्तियां होंगी, ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 53 जो उसको बिल्कुल सारी चीजें देकर छीन लेगा, मतलब क्या कि वो सब कुछ कर सकता है, बट फिर क्या हो जाएगी, सारी की सारी पावर उसमें इनहेरेंट तो है लेकिन वो बिना प्राइम मिनिस्टर की बात के, उनके मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के कुछ भी एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात है और आपको आर्टिकल्स पढ़ने इस तरह से कुछ है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, या आप हिंदी वाला देख सकते हो भाई। अब HDI कौन इंडेक्स रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तो कौन करता है, UNDP करता है, ठीक है, कब से कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि भाई 2022 में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि किसका HDI कम था किसका ज्यादा था, ऐसे करके आपको पीछे साइड जाना है। तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान और नाइजर। अच्छा ये बताओ नाइजर जो है वो स्विट्जरलैंड से ज्यादा डेवलप हो सकता है क्या? तो ऑप्शन थ्री तो ऐसे ही आप काट सकते हो ना, कोई ऑप्शन थ्री पे तो करेक्ट कर नहीं देगा। अब देखो जापान और स्विट्जरलैंड में कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो आपको पता है स्विट्जरलैंड ज्यादातर भाई सारे जो इतनी खूबसूरत जगह इतना सब कुछ उसके पास है, तो सबसे आगे किसको होना चाहिए कायदे से, स्विट्जरलैंड, जापान में स्विट्जरलैंड को होना चाहिए, ठीक है, तो जापान तो हो नहीं सकता सबसे आगे, तो इसको भी आप हटा दोगे। अब जो चौथा वाला ऑप्शन था कि डेनमार्क, जापान और उसके बाद स्विट्जरलैंड का जो है डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, इतना पीछे स्विट्जरलैंड हो नहीं सकता है, तो यहां से भी आप हटा दोगे, ऑप्शन वन जो है एकदम क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना जी, ठीक है। चलो तो पहला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब HDI में क्या क्या करना है या इंडेक्स में क्या करना है, तो जितने भी इंडेक्स आते हैं खासतौर पर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे UN की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने भी इंडेक्स वगैरह निकालती है उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है वैलिड मानती है, उनमें ना पहला और दूसरा देख लेना, चार पांच तक मत देखना, पहला और दूसरा देख लेना, उतने से ही काम चल जाएगा, और इंडिया की रैंकिंग जरूर कर लेना, ठीक है भाई, इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं फिर से, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया मतलब भारत में कृषि के बारे में कुछ बातें हैं। पूछा गया है कि रवि क्रॉप जो है वो बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में, बिल्कुल ठीक है, और काटी जाती है अप्रैल जून, ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग रबी इन इंडिया आर पैडी, क्या पैडी को रबी के टाइम पे उगाया जाता है, मतलब धान आपने कब देखा जब बरसात हो रही होती है धान को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो रबी के सीजन में बरसात तो होती नहीं है, इस सीजन में क्या बरसात बहुत ज्यादा होती है, नहीं होती है, खेत में बहुत पानी चाहिए, तो रबी के सीजन में धान कैसे उगा सकते हो, तो यहीं से ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। मेज अगर हम मक्के की बात करें तो ये तो भाई साल भर में आराम से उगाई जाती है, इसमें कोई मेज मतलब बाजरा सॉरी, ठीक है, तो ये साल भर वैसे उगाई जा सकती है, बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं है। सोयाबीन हो गया, बाकी सब ठीक था, लेकिन यहाँ जो पैडी इन्होंने डाल दिया ये गलत डाल दिया, पैडी क्या है, खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। ऑस, अमन और बोरो ये क्या है, ये चावल की फसल मतलब चावल की अलग अलग किस्म है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला क्या है, गलत है। इजी क्वेश्चन है, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको क्या पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर में जो झूम कल्टीवेशन होता है, शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं जिसको, उसके अलग अलग देश में क्या नाम है वो कर लो, और उसी के साथ साथ इंडिया के अलग अलग जगह में उसको किस नाम से जाना जाता है वो कर लेना। उसके अलावा कुछ फेमस जो क्रॉप्स होती है जैसे कि गेहूं, चावल, ठीक है, गन्ना, उसके अलावा आप सोयाबीन ले सकते हो, अरहर ले सकते हो, ठीक है, इनमें कौन सा राज्य सबसे ज्यादा आगे है और कौन सा देश सबसे ज्यादा इनका उत्पादन कर रहा है,
इसकी एक पेपर पे लिस्ट बना लो, बहुत काम आएगी आपको आगे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन, भाई सबसे जो लोएस्ट लिटरेसी रेट होगी वहां केरला तो आ नहीं सकता है, ठीक है? केरला को हटा दो, महाराष्ट्र भी अच्छा खासा भाई पढ़ने लिखने वाला क्षेत्र है, वो महाराष्ट्र भी नहीं आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इलाका जो है वो लिटरेसी रेट में बहुत अच्छा है, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश भी यहां से नहीं है, बिहार बचा, बिहार जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, ठीक है? यहाँ की पॉपुलेशन जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 है, जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो महाराष्ट्र है वो अर्बनाइज्ड सिटी में आता है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा शहरीकृत क्षेत्र है, ठीक है? चलो बिहार हमारा जो है थोड़ा सा लिटरेसी रेट में पीछे है अभी। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, घाव से किस विटामिन कमी होने के कारण सबसे ज्यादा, मतलब घाव से खून निकलता रहेगा अगर किसी विटामिन की कमी है, कौन सा विटामिन है वो? विटामिन डी, ई, ए और के। विटामिन ई जो है अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो शरीर, बालों का झड़ना हो सकता है, शरीर में आपके क्या हो सकता है, नपुंसक, जो कह सकते हो आप नपुंसकता, क्या बोलते हैं, नपुंसकता आ सकती है, ठीक है? हो जाता है इधर उधर, ठीक है? विटामिन ए आप सबको पता है कि वो आंखों से संबंधित है, ठीक है? विटामिन के यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन डी किससे? विटामिन डी सूखा रोग हो जाएगा ना भाई, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है? तो वो हो गया। लेकिन विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो अगर चोट लगेगी तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही बात, डिफिशियंसी, ठीक है, विटामिन, अगर विटामिन डिफिशियंसी होती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, तो इजी सा है, लुसेंट वगैरह में इजिली अवेलेबल होता है ये चीज, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। अब आते हैं अटल पेंशन योजना पर क्वेश्चन आया, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट के दो तीन ही क्वेश्चन डाले हैं मैंने बीच में, आप देख भी रहोगे सिक्वेंसिंग में कुछ क्वेश्चन गायब है, तो वो बेसिकली बहुत करंट से रिलेटेड है, उस वजह से मैंने उनको डायरेक्टली हटा दिया था। जो करंट में ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और आगे के साल में भी इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो आप अटल पेंशन योजना को देख सकते हो। पूछा गया था 2022 में कुछ चेंजेस हुए हैं, अब 1 अक्टूबर से वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं जो इनकम टैक्स पेयर हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये चेंजेस किए गए थे और 1 अक्टूबर से वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है? सीधे पीआईबी से इन्होंने स्टेटमेंट उठाई है और रख दी है, पीआईबी में स्टेटमेंट थी, पीआईबी से डायरेक्ट उठाई है और यहाँ पर रख दी गई है। बोला जाता है कि महीने में जो मंथली उनको इनकम पेंशन मिलेगी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन लेकिन 80 वर्ष नहीं है ये, 60 वर्ष है भाई, ठीक है? 80 वर्ष तो हमारे यहाँ की जीवन प्रत्याशा भी नहीं है, एक जो मनुष्य है, कि जो इंसान है भारत का, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 वर्ष नहीं है, तो उतने साल बाद, मतलब 80 वर्ष के बाद किसी को पेंशन देने का क्या मतलब, जीवित भी होना चाहिए वो, तो 60 के बाद का व्यक्ति के लिए ये स्कीम है, 60 साल के होते ही उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो स्टेटमेंट टू तो यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। आते हैं तीसरे पे, एज पर द न्यू रूल्स सब्सक्राइबर कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एपीआई ऑन अ मंथली बेसिस ओनली, स्टेटमेंट क्या है, थोड़ी सी एक्सट्रीम है, इस वजह से ये क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। अब बताओ, ऐसी सोशल सेक्टर टाइप की थोड़ी सी स्कीम है, ठीक है, इसमें सोशल वेलफेयर दे रहा है सरकार जो है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो सरकार वहां ऐसी कंडीशन रख सकती है क्या कि केवल नहीं हमको हर मंथ पैसे देने पड़ेंगे? नहीं है पैसे तो 2 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद दे देना, साल में एक ही बार दे दो पूरा, इतना मतलब सरकार एकदम रिजिड तो नहीं होगी, तो स्टेटमेंट आप ऐसे करके ये हटा सकते हो, तो यहाँ पर ए ऑनली करेक्ट हो जाएगा। और स्कीम्स में प्रोविजन, खास तौर पर उसकी एलिजिबिलिटी आपको अब समझ में आ गई कि हमें करनी है, ठीक है? एलिजिबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना है स्कीम में, ठीक है? चलो हिंदी में आपने ये देख लिया। चलो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, किसको आप जो है पूंजीगत व्यय नहीं कहते हो, कैपिटल एक्सपेंस, देखो कैपिटल रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, हमेशा याद रखना, अगर कैपिटल एक्सपेंस की बात कर रहा है यानी खर्च की बात कर रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंस में क्या आएगा कि उससे ना आपका कुछ ना कुछ संपत्ति बनेगी, आपने आपकी कोई ना कोई एसेट बनेगी, जैसे आपने क्या किया है, घर बनवा लिया, ठीक है, घर बनवाते हो तो घर बनवाना क्या हो जाएगा, इस पे जितने भी रुपए खर्च होंगे बेसिकली आप बोलोगे, चाहे वो लेबर को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, वो आपका होगा कैपिटल एक्सपेंस। अगर आप भाड़े पे भी उस समय पैसे दोगे तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंस में जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाड़े में जो आपने रेंट पे जो पैसा दिया होगा उसकी वजह से कुछ सामान आया होगा जो कि आपके घर में अल्टीमेटली लगेगा, और जब घर बन के तैयार होगा तो आपके पास एक एसेट होगी, तो वो कैपिटल
एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लो, क्या पेंशन देने से कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं बन रहा है सर। पेमेंट ऑफ सैलरी, किसी की सैलरी से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। देने वाले को फायदा होना चाहिए, मतलब उसका कुछ उसके पास बनकर आना चाहिए। किसी को सरकार सब्सिडी देगी तो सरकार के पास कुछ बनकर आएगा भौतिक या अभौतिक स्वरूप में? नहीं आ रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो बनाना, कुछ बना, ये सरकार के पास रहेगा मालिकाना हक इसका बहुत लंबे समय तक, तो कैपिटल एक्सपेंस का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 5 देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, W इज इक्वल टू आई आर लगा देना, सीधे आंसर 6 ओम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, मेंस का क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आए। अब हम लोग शिफ्ट 2 पे आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग शिफ्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन में क्या थे वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, अभ्रक कहाँ मिलेगा, कोयला कहाँ मिलेगा, ठीक है। कोयला का तो सबको पता होगा, कोयला सर झरिया में मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप आसानी से कर लोगे भाई, कोयला कहाँ मिलता है, झरिया में मिलता है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अभ्रक है वो कहाँ मिलेगा सर, अभ्रक हमारा कहाँ मिलता है, वो आपका सेकेंड, अगर अभ्रक की आप बात करोगे तो अभ्रक हमारा कहाँ मिलता है, भिलवाड़ा में मिलता है, ठीक है। भिलवाड़ा में अभ्रक यानी बी का, हाँ ये रहा 2, ठीक है। अब तांबा बचा कि इसमें तांबा कहाँ मिलेगा और बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, तो अगर आप कोयला, कोयला अगर आपने सही मिला लिया, सपोज दैट, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप करके तो जाओगे, कोल हमारे देश में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो कोल का अगर आपने झरिया लगाया तो C का 4, देखो C का 4 कहाँ कहाँ है, तो स्टेटमेंट जो ऑप्शन 1 है काट दोगे, ऑप्शन 2 भी काट दोगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। अभी आपने अभ्रक पर भी लगा लिया है कि इसका क्या है, भिलवाड़ा है, बी का क्या है, 2 है, तो 2 के लगाते ही आप ऑप्शन 4 भी काट दोगे, आपके पास सीधे आंसर आ जाएगा कि सर ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बॉक्साइट जो है लोहरदगा में मिलेगा और तांबा जो है झुंझुनू में मिलेगा, ठीक है। चलो राजस्थान से 2 जगह है यहाँ पर। चलो अब आते हैं, तो इससे इससे मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई मिनरल्स एंड इंडिया में उसके जो प्रोबेबल लोकेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर एक बन जाता है ज्योग्राफी में। आप इसको जो हमारी आर्थिक ज्योग्राफी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, उसमें आप इसको पढ़ते होगे, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। द हेडक्वार्टर, फिर से देखिए, पिछले जो शिफ्ट था उसमें भी हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन था, ठीक है, आप कह सकते हो MECL का बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ गया कि ICR डायरेक्टर ऑफ ग्राउंड नट, आता है तो कर देना, नहीं आता है तो छोड़ देना, पेपर बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। यहाँ पर वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल तीनों जो है बिल्कुल करेक्टली मैच है, हेडक्वार्टर एंड इंस्टीट्यूशन एक पेज पे, अगर 2 पेज पे इसको कर पाओ तो ठीक है, कुछ फंसे तो बढ़िया बात है, ना फंसे तो छोड़ देना, ठीक है। चलो अब आ गया इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा, सॉरी, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं पे करते हैं, ठीक है, हम उसे डायरेक्टली सरकार को नहीं देते हैं, वो किसी फॉर्म में सरकार तक पहुंच जाते हैं, हम नहीं देते अपनी सैलरी वगैरह, हम किसी तरह से अपने से डायरेक्टली नहीं दे रहे होते हैं, किसी और तरीके से सरकार तक जाते हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना गया कैसे करके, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स, अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि आपने कोई संपत्ति खरीदी, आपने कोई शेयर खरीदा और सपोज दैट कुछ दिनों बाद शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आपको लगा आप इसको बेच देते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो जैसे ही आप उसको बेचोगे तो सरकार क्या बोलेगी कि चलो भाई तुम्हें इतना प्रॉफिट हुआ है, तुम्हारे कैपिटल का दाम बढ़ गया है, तुमने 100 पे खरीदा था अभी 200 पे बेच रहे हो, तो इस पर जो प्रॉफिट हुआ उस पर मुझे टैक्स दे दो, तो आप वो टैक्स डायरेक्टली मुझे से ले रही ना, तो डायरेक्टली टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो कैपिटल गेन टैक्स तो हो नहीं सकता है। गिफ्ट टैक्स, कोई गिफ्ट वगैरह लेते हो उस पर जो टैक्स, तो आप वो भी आप डायरेक्ट खुद ही दे रहे हो गिफ्ट वगैरह, ठीक है, तो वो हटा दो। वेल्थ भी आपकी है, आपसे टैक्स लेगी तो वेल्थ टैक्स। लेकिन जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप शर्ट खरीदते हो, ठीक है, आप किसी भी ब्रांड की शर्ट खरीदते हो XYZ की, तो उसमें लिखा होता है कि भाई इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, या फिर उसमें 18% GST लग गई, तो उसमें खुद से लग गई ना आपको, आपने ऐसे खुद से सरकार को तो पैसे दिए नहीं कि सरकार के पोर्टल पे डिडक्ट होके गए हो, आपने उसके जहां से सामान खरीदा उसको पकड़ाया, फिर उसने जहां से खरीदा होगा वो उसको देगा, और अल्टीमेटली से घूमते घूमते सरकार के पास जाएगा, आप उसको डायरेक्टली सरकार को अलग से नहीं दे रहे हो, तो यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो एग्जाम्पल है किसका भाई, इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या था, टैक्स के प्रकार कितने हैं भारत में, टैक्स की दर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो नई, जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी, नहीं सॉरी, जो आने वाले शिफ्ट होंगे, आने वाले पेपर होंगे धीरे धीरे, उसमें डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि GST काउंसिल क्या होती है, GST की संरचना के बारे में बातें हो जाएंगी,
ठीक है, जीएसटी के अमेंडमेंट्स के बारे में बात होंगी, जीएसटी में कोई नया संशोधन होगा तो उस पर बात होगी, तो धीरे धीरे डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये पहली बार था इस वजह से अभी उतना हार्ड नहीं दिया गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे डेप्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन फोर, इनमें से कौन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल होता है ये तो भाई किसी जगह पे भी आप ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, सामान्य जो विधेयक होता है वो तो कहीं पे भी ला सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं, लेकिन जो मनी बिल है आप सब जानते हो, जो मनी बिल है ठीक है 110, वो हर जगह पे नहीं ला सकते हो। अनुच्छेद 110 वो साफ कहता है कि मनी बिल तो भाई सीधे पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा उस पर कुछ दिन रोक सकता है 14 दिनों के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहां से पास मान लिया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करने के लिए बाध्य है, उसमें कोई चारा बचता नहीं है, वो पास आराम से हो जाता है। आधार वाला इशू आपको याद होगा, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर। ठीक है, चलो अब यहां पर फाइलम पर क्वेश्चन है बायोलॉजी से, इतनी देर में बायोलॉजी से ये जो है पहली बार आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि भाई बायोलॉजी पर क्या क्वेश्चन आया है। तो फाइलम्स और उसके थोड़े थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद हैं तो आप बड़े आसानी से ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पूछा गया, विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर प्रिकी प्रिकली स्किन एंड अ स्पेशल वाटर कन्वेइंग कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन देम विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। इनमें से क्या इसका आंसर होगा भाई? एसके हेलमेंथीज, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा या मोलस्का। ठीक है, यहां पर ऐसे डायरेक्टली ये पूछ लिया गया है कि भाई कौन से ये जो है मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें वैसे तो डायरेक्टली जो इसका आंसर हो जाएगा इकोनोडर्मेटा हो जाएगा, बाकी बायोलॉजी जो अमित सर हैं वो आपको जब समझाएंगे तो अब आपको इसको डिटेल से सारी चीजें बताएंगे, मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, वो इनके बारे में एक एक करके सारी चीजें आपको वैसे भी क्लासेस में समझाते हैं, यहाँ पर जस्ट एक आपको वो था एनालिसिस के लिए कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो एक फाइलम था, मतलब यहाँ तो चार फाइलम दिए हैं लेकिन किसी एक फाइलम की यहाँ पर क्या दी गई है, विशेषता दी गई है कि भाई ये जो विशेषता है इनमें से किस फाइलम की है। तो आपने अगर फाइलम पढ़े उसकी दो दो तीन तीन विशेषताएं पढ़ रखी हैं तो आराम से आप कर सकते हो। बाकी मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किंगडम जो किंगडम है वो किया गया था लीनियस का, जो कौन थे, लीनियस थे करके कुछ, ठीक है, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये बात है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता चल गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप पे पूछा गया कि OH किसका जो है फंक्शनल ग्रुप है, इथेन का है, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का है या फिर कीटोन का है। तो OH के बारे में आप जानते हो भाई, ये तो हर OH मतलब जितने भी एसिटिक एसिड हो या कोई और हो उसके पीछे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यानी एक सिंबल दे दिया गया और सीधे पूछ लेगा कि भाई किसका है, तो आपको बताना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई द रोमन राइटर प्लीनी। अब देखो फिर से आ गया वही कि बुक्स एंड ऑथर पर क्वेश्चन है, प्लीनी ने कौन सी बुक लिखी थी भाई, नेचुरल हिस्ट्री, जो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी या क्या लिखी थी करके यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए भाई क्या लिखी थी प्लीनी ने। ठीक है, चलो प्लीनी की यहां पर क्या थी भाई, अगर हम बात करते हैं प्लीनी ने कौन सी बुक लिखी थी भाई, तो प्लीनी ने यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिका की बात करें तो आप सबको पता है भाई, इंडिका मेगास्थनीज की है, जियोग्राफिका किसकी, स्ट्रैबो की है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसकी हो जाती है, तो पेरिप्लस ऑफ जो एरिथ्रियन सी है वो विलियम एच सॉप की हो जाती है। ठीक है, चलो तो बुक्स एंड ऑथर वाला भाई सेक्शन कर लेना सब लोग। What was the distance covered by the first ever train between Bombay and Thane? ये सबको पता है कि बॉम्बे और थाने के बीच में इस ट्रेन चली थी। क्वेश्चन सब लोग ये याद करते कि पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली या कब चली। इसमें पूछा कितने किलोमीटर चली थी, तो 38, 51, 25, 38 कितनी चली थी भाई, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर चली थी, बड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, 34 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द हाई कोर्ट द राइट टू इशू रिट। अब हाई कोर्ट को रिट इशू करने का जो आर्टिकल है वो तो आर्टिकल 226 है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 है, कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 143 और 132 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है कि हाई कोर्ट से कोई भी केस अगर कोई भी आपको ऊपर जाकर वो करना है तो वो क्या होगा, 132 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल अपील की बातें यहाँ पर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी अपील की बात करता है कि हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, अब सर ये आपने बोला आर्टिकल डायरेक्टली नहीं करने हैं, तो ये तो डायरेक्टली पूछें भाई, आप गौर से देखोगे ना तो इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट नजर आएगा कि क्या है,
रिट के बारे में बात कर रहा है। तो रिटे कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू स्टेब्लिश आप भेज सकते हो, तो आपको 32 और 226 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हर जगह पर है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन द ईयर 1962 वो पब्लिश द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी में जब पढ़ाया जाता है कि जो टेक्टोनिक्स थी, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है, वेगनर ने फिर सबसे पहले सिद्धांत दिया था 1912 में, ठीक है, बातें चलती रही चलती रही, काफी लोगों ने उस पर अलग अलग टीका टिप्पणी की, मार्शल ने किया। उसके बाद 1968 का टाइम आता है और फिर आते हैं हैरी हैस, जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी और वहीं से ही आप पर बात हो गई शिफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैरी हैस। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप ये चीजें जानते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अगर डाउट है इन चीजों को करने को लेकर, तो 11 बजे सुबह 11 AM पर SSCB पर लाइव क्लासेस होती हैं और ये लगातार अब चलती रहेंगी। इसमें सारे सब्जेक्टों की क्लास पर डे अलग अलग टाइम, मतलब 11 बजे हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास होती है, जिसमें डिटेल से कॉन्सेप्ट की तरह से सारी चीजें पढ़ाई जा रही है बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखो, तो फिर से वही ब्लड पर क्वेश्चन आ गया कि ब्लड में किस चीज की कमी या कुछ ज्यादा होना चाहिए करके। तो यहाँ पर अभी विटामिन के पीछे हम लोगों ने पढ़ा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या जरूरी है। आपको पता है वुमेन में क्या कमी हो जाता है, खून की कमी होती है, क्यों होती है, आयरन की कमी से। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, तो आयरन डिफिशियंसी होती है ना, तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है भाई, आयरन किसके लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे, भारत के पड़ोसी देश, अब ये ना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेसिकली करंट अफेयर में इसमें आपको हेल्प कैसे मिलेगी। सर ये तो मुझे याद नहीं कि 4 बिलियन दिया था कि 40 बिलियन दिया था, ठीक है मैं मान लेता हूँ बिल्कुल इतना याद कर भी नहीं सकते हैं, बट ये बताओ मालदीव में कोई क्राइसिस था क्या उस टाइम पे, कोई क्राइसिस था, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था ऐसा कुछ सुना। हमारा श्रीलंका के बारे में कुछ पता है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, मालदीव के बारे में तो नहीं सुना था मैंने। सर तुम मालदीव, मेरा गैस कहता है कि मालदीव तो नहीं होगा, ऐसे लगा लोगे इजली निकल जाओगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा उत्तर अपने आप। फिर श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश है, तो हमारी जीडीपी ऑब्वियस सी बात है यार बड़ी होगी, बड़ा देश है, तो ऑप्शन बी यहां पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, यहां पर कीवर्ड जरूर देख लेना भाई, कीवर्ड बिल्कुल देख लेना, वरना क्या हो सकता है, मसला गड़बड़ हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, जफर खान वॉज द फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो जफर खान थे वो फेमस जनरल थे कौन से रूलर के टाइम पे, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, जिसने मलिक काफूर को भेजा था साउथ में एक्सपीडिशन के लिए। ठीक है, उन्हीं के टाइम पे ये फेमस जो जनरल थे। ठीक है, ठीक है, तो ये लूसेंट वगैरह में इजली अवेलेबल है, आप आराम से वहां पर कर सकते हो, मीडियो जो मेडाइवल हिस्ट्री है। उसके अलावा सतीश चंद्रा की बुक भी पढ़ सकते हो अगर हिस्ट्री पढ़ने में बहुत आप शौक रखते हो तो। चलो, भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है। आप ये भी करंट का है, लेकिन थोड़ा सा गैस करोगे तो आराम से कर लोगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे एक बात है। पहला कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव जो है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, हाँ बिल्कुल बढ़ानी है भाई, अच्छी अच्छी बातें तो लिखी होती हैं। 2022 तक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसका जो हम एक्सपोर्ट करते उसको डबल कर देंगे, मतलब हम जो भेजते उसका दुगना भेजने लगेंगे। इतना ईजी है क्या, मतलब डबल कर देना, कुछ होता ही नहीं है क्वांटिटी, ये थोड़ा सा क्या है, कुछ ज्यादा स्टेटमेंट वेग हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, और सीधे यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप यहां से क्या समझ में आता है कि भाई जो पॉलिसी वगैरह लॉन्च हो उसके एम यानी उसमें जो प्रोविजन दे रखे हैं वो जरूर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विच लॉ वॉज स्टडीड इन द ईयर 1787 इन विच इट वॉज सेड दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज विथ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो यहां पर दो नियम थे, एक बायल का नियम था, एक चार्ल्स का नियम था। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो आपको खुद पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है, गैस का बढ़ता चला जाएगा, गैस ज्यादा जगह पे फैलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम कर दोगे गैस क्या हो जाएगी, वापस से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये चार्ल्स ने बोला था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। बॉयल महोदय आते हैं, वो कहते हैं काम करो, टेम्परेचर क्या भाड़ में, टेम्परेचर को कर दो कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल कॉन्स्टेंट कर देते हैं, और उसके बाद बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा प्रेशर और वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो खुद सोच के देखो, अगर गैस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या फैलेगी, तो गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और पास पास आ जाएगी। तो आपके सबके घर में सिलेंडर होगा, तो उसमें गैस क्या हो रखी होती है, प्रेशर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रखी होती है, तो सिकुड़ के लिक्विड की तरह हिलाने पे आवाज भी कर रही होती है। तो बायल का नियम कहता है कि टेम्परेचर को हम कर देंगे जीरो, कांस्टेंट मान लेंगे, जो है वही मान लेंगे, उसको छेड़ेंगे छाड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा,
तो प्रेशर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम है उसका, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो वो बॉयल का नियम था। यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस की बात, टेम्परेचर की बात करें तो ये चार्ल्स महोदय ने ये बात कही थी। ठीक है, चलो नियम वगैरह की फिर से बात होगी। पीछे भी क्वेश्चन था शिफ्ट वन में भी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वहां पर से क्वेश्चन है, और वैसा ही ये भी पैटर्न है। ठीक है, तो जो फिजिक्स बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री, उनमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं भाई, उनको जरूर करना है। ठीक, चलो। ऑस्ट्रियन जो साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डॉपलर, विच डिस्क्राइब द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी टाइप ऑफ साउंड और लाइट वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन मूविंग सोर्स विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। भाई बताओ, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी? सीधी सी बात ये पूछी गई है, 1840, 44, 42, 46, कब की गई थी भाई जो है डॉपलर इफेक्ट की खोज, कब की गई थी? एक सेकेंड पानी पी लेता हूं मैं। डॉपलर इफेक्ट की खोज कब की गई थी बताइए? डॉपलर इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन, चलो पानी हो गया खत्म। चलो बताओ भाई, डॉपलर इफेक्ट का यहाँ पर पूछा गया, अभी डॉपलर इफेक्ट कब ढूंढा गया था, कब उसकी खोज की गई थी, किसने की थी? तो वो तो करना ही है भाई। ठीक है, क्रिश्चियन डॉपलर जी ने की थी, डॉपलर नाम सही है। कब की थी? 44, 40, 42, 46, ऐसे। मतलब ये फिर से वही बात है कि कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता था कि क्या होता है, बट इन्होंने क्या पूछा कि भाई कब की थी। डॉपलर इफेक्ट वही होता है कि हम ट्रेन जब हमारे पास आ रही होती थी उसकी आवाज क्या होती, तेज होती, और जब दूर जा रही होती थी उसका आवाज धीमे होती, बिल्कुल वही वाली बात है। ठीक है, तारों के चमकने को भी उस तरह से हम समझ सकते हैं, मतलब दूर जो तारा बहुत दूर होता है वो बहुत धीरे चमक रहा होता है, लाइट बहुत धीरे आ रही होती है, और जब पास होता है बहुत तेज चमक रहा होता है करके, तो उससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे 1842 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारी चीजें जो है अमित सर आपको बहुत डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री जो वो लेते हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैज बीन गिवेन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ 2022 अमेंडमेंट। फिर से अमेंडमेंट था, इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किसको किसको शामिल किया गया था? तो इसमें जो कापू जो समुदाय था उसको शामिल नहीं किया गया था, बाकी तीनों को किया था, कादू कुरुबू को, हट्टी को और नारी कोबरन को। इसमें याद रखना है कि ये तीनों संप्रदाय कहाँ कहाँ से समुदाय जुड़े हुए, तो हट्टी का कर्नाटक है, बाकी का आप जानते हो नारी कोबरन क्या है, तमिलनाडु से है। ये भी एक चीज होती है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इजी है। अगर आप वनीकरण करोगे तो भाई उससे अच्छी चीज होगी, फ्लड वगैरह को आप रोक सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। आप फॉरेस्टन कैन बैलेंस आर इको सिस्टम, तो अगर आप वनीकरण करोगे तो भाई हमारे पर्यावरण को संतुलित करेगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पर कीवर्ड क्या कह रहा है, करेक्ट की ही बात पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है। आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एन इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू यूज एनी रेस्टोरेंट। मतलब भारत का नागरिक कुछ कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह यूज कर सकता है बिना किसी कुछ के दिक्कत के वगैरह, तो ये बात है। अब अगर आप कायदे से देखो तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछेद, जो छुआछूत वगैरह चीजें हैं उनको हम रोक देंगे, तो छुआछूत रोक देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। क्या उससे रेस्टोरेंट और सड़क और सार्वजनिक स्थान को उपयोग करने का कोई लेना देना है? नहीं भाई, कोई लेना देना नहीं। 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कि सरकार जो एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का भेदभाव वगैरह नहीं करेगी, तो वो भी नहीं है। 14 समानता का अधिकार, तो वो भी नहीं है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ने हैं, इसका मतलब ये निकल के आता है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके पूछा गया है, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ भाई फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सबसे पहले तो बताओ, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है इन सब में, जिस आप कह सकते हो सबसे ज्यादा हो सकती है जो है हमारा, सबसे कम बेसिकली एक्सरे की होगी, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद इंफ्रारेड होना चाहिए, फिर माइक्रोवेव और देन रेडियोवेव। रेडियोवेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी इन सब में। ठीक है, तो यहां से आपका बन जाएगा सीक्वेंस, एक सीधा आप देख रहे हो, एक्सरे, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स और रेडियो
वेव्स, अगर गामा रेज यहाँ दिया होता तो एक्स रेज से भी कम फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, ठीक है? तो 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी? सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ प्रजनन दर कौन से देश में होगी? केरल, बिल्कुल हटा दो भाई, केरल में हो नहीं सकती है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रजनन दर वाला देश राज्य है वो कहाँ है? बिहार है, ठीक है? केरला लिटरेसी रेट इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, इसका मतलब क्या है? यहाँ कर सेंसस से क्वेश्चन आपको 2 से 3 हर बार देखने को मिले हैं, तो सेंसस भाई अच्छे से कर लो 2011 का, और उसमें भी सुपरलेटिव, ठीक है? हाईएस्ट, लोवेस्ट, फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, ठीक है, अर्बनाइज्ड, ठीक है, ये सब लाइन से कर लो, आराम आराम से सेंसस वाले क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? भाई इनमें से कौन जो है अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं? तो फंगल जो एंजाइम्स होते हैं, सिंगल जो जो फंगल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को सड़ा गला के बिल्कुल एकदम सरल उसमें क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो फंगल एंजाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहां से क्या चलेंगे, शिफ्ट 3 की तरफ चलेंगे, ठीक है? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सो ठीक है, 25 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट 2 के अभी हो चुके हैं। अब हम लोग जो थर्ड शिफ्ट थी उसको यहाँ पर से स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट में अब जो सबसे पहला क्वेश्चन, वापस से आपने जो अभी तक की 2 शिफ्ट देखी इससे पहले, उसमें सेंसस पर क्वेश्चन था, और यहाँ पर भी सेंसस पे ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एक अलग चीज पूछी गई है। क्या? कि जब सेंसस कंडक्ट किया कराया जाता है तो उसमें जो कैटेगरी बनाई जाती है, इनमें से कौन जो है उस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है? ट्राइबल नहीं है, एथनिक नहीं है, रिलीजियस कैटेगरी नहीं है, शेड्यूल कास्ट। तो आपको पता है SC ST पर डेटा पूरा लिया ही जाता है, रिलीजियस डेटा हम वहां पर कंसिडर करते हैं कि कितने परसेंट हिंदू है, मुस्लिम है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन है, या फिर बाकी जो अलग अलग धर्म है उनके बारे में। उसके अलावा हम ट्राइबल का भी करते हैं कि कितने प्रतिशत जनजातीय आबादी है, बट क्या आपने कभी सुना है नृजातीय आबादी के पर कोई डेटा आया हो, ठीक है? एथनिक डेटा कोई भी किसी तरह का कंडक्ट नहीं होता है, नहीं गैदर किया जाता है जब सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर वापस से सेंसस पर, ये शायद 4th क्वेश्चन है आई थिंक, तो सेंसस आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी वैसे भी नया सेंसस सेंसस जो है आने वाला, नई जनगणना आने वाली है, लेकिन अभी भी हम 2011 वाली को ही अपना बेस बनाकर चलेंगे, ठीक है? 2011 वाली जो सेंसस है उसको आपको देखना जरूर है, वहां से एक प्रश्न तो आपके शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, ठीक है? यहाँ जातीय नहीं होता है, एथनिक मतलब होता है निर्जातीय, ठीक है? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टर्म होता है बेसिकली। अगर किसी ने समाजशास्त्र पढ़ी है तब आप इस टर्म को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 148 की बात कर रहा है कि ये कौन सी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट, किस तरह की बॉडी की बात करता है आर्टिकल 148? तो हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो कैग है वो 148 में डिस्कस किया गया है, ठीक है? 148 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, कैग के बारे में कहता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, सॉरी प्रेसिडेंट करता है। और जो हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, यानी जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर महोदय उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है? गवर्नर महोदय उसको अपॉइंट करते हैं। कैग को कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट को कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर फिर से पॉलिटी पर क्या पूछा गया है, तो आर्टिकल पूछा गया है, बट फिर भी अगर आप कैटेगरी देखने जाओगे तो क्या कैटेगरी निकल के आती है, संवैधानिक निकाय। तो अगर आपने ये वाला पॉइंट अगर सिर्फ आप निकल लिया कि सभी संवैधानिक निकायों को पढ़ लिया, तो वहीं पर से आपका क्या हो जाएगा, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो जाएंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड आर्टिकल पर, ठीक है? ऐसा बहुत हैरत की बात नहीं कि अब अगला जो क्वेश्चन इस पर बन सकता है वो ये बन जाए कि जो कैग है उसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जा सकती है, ये भी पूछ सकता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, ये भी पूछ सकते हैं। कैग को किन आधारों पर हटाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है? चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर बात की गई है, अगर हिंदी वाले देख ले भाई, कि ग्लोबल वार्मिंग मानव गतिविधियां जो है मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण, उसके पहले के जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया एरा था
उसके कारण मतलब एक मतलब कहने का है कि गर्मी बढ़ने के कारण पूरी बात बताई गई है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है, जलवायु परिवर्तन होता है उसके कारण, ठीक है, बाढ़ वगैरह आती है, मौसम में चरम घटनाएं आप देख सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट बहुत जनरल सी स्टेटमेंट, और दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, करेक्ट है भाई। ग्लोबल वार्मिंग के दोनों क्या है, कारण और संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 बहुत ईजी था, क्वेश्चन 4 करंट का था, स्किप कर दिया गया। क्वेश्चन 5 पर देखते हैं, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, और फिर से अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, तो वहां पर प्लांट्स का जब क्लासिफिकेशन देखोगे तो ब्रायोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, इसके अलावा भी कैटेगरी होती है, जो साइंस वाले सर हैं वो ज्यादा अच्छे से आपको बताएंगे। मुझे जितना पता है, जैसे एंजियोस्पर्म कौन होते हैं, जो बीज देते हैं, ठीक है, जो सीड्स वगैरह दे सकते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, ऐसे पौधे जिनके शरीर की बनावट अच्छी तरह से विभेदित नहीं हो पाती, मतलब जो प्लांट्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम थैलोफाइटा की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन आपको यहाँ से क्या समझना है, आपको यहाँ से समझना है कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पर क्वेश्चन था, ठीक है, कि अलग कोई फाइलम दे रखा गया था, ठीक है, अलग कोई क्या दे रखा गया था, फाइलम की विशेषता दे रखी गई थी और उस पर क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह का आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन किया गया है, किसी एक जो है आप कह सकते हो पादप की प्रजाति के बारे में क्या दिया गया है, उसकी विशेषताएं बता दी गई है, और पूछा गया इनमें से कौन सा जो पादप प्रजाति है या प्लांट वैरायटी है वो इस तरह की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको यहाँ पर पढ़ लेने चाहिए भाई। एक एक दो दो लाइन भी अगर आप कर लोगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो ये मतलब क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करने चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज बीन प्रोविजनली नेम्ड सी बॉर्जियम बाय अमेरिकन रिसर्चर्स। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिंपली स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा एलिमेंट 106 हो जाएगा। किसी तरह की जो ट्रेडिशनल बुक्स होती है वहां पर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मिलना मुश्किल है, ठीक है, इस वजह से इसको थोड़ा सा हार्ड भी माना जाएगा। क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर दो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। वो एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गी इन 1935। ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ट्रेडिशनल बुक्स जो है वहां पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर जैसे कि इसका आंसर होगा, ठीक है, एफ ई फ्रिस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लीनियस कौन है, तो वही बात है, मॉडर्न जो फादर ऑफ मॉडर्न जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। अभी जब पीछे डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन आया भी था क्लासे जो फाइलम्स पे क्वेश्चन था, ठीक है, एक्नोडर्मेटा पर जिसका आंसर था, तो वहां पे भी मैंने आपसे जो नाम ले रहा था बेसिकली इन्हीं का था, कैरोलस लीनियस का, ठीक है। कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, जो एक समान त्वरण होता है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो घर्षण रहित सतह पर चलने वाली वस्तु एक समान त्वरण प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और आप ये अगर इससे कोई पॉइंट निकालोगे तो क्या पॉइंट निकल के आता है कि ये बात किसी डेफिनेशन के बारे में कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आपसे पूछ रहे कि वैद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो किसे कहते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग जो टर्म होते हैं उस पर क्वेश्चन हो सकता है। अभी प्रतिरोध पे भी आपने क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, अभी एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेविटेशन पे आ सकता है, तो जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो भाई, फिजिक्स में काफी काम आ सकता है। बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो जब भी कोई वस्तु, जब भी क्या होता है कि किसी भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब वो मूवमेंट करता है, ठीक है, जब वो चलता है, ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हर एक टाइम इंटरवल पर क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हर 10 सेकंड के बाद लगातार उसी स्पीड से वो बढ़ती जाती है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ऑप्शन देखो, पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी भी वस्तु को जब ऊपर से गिराते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो नीचे जितना धीरे धीरे मतलब जितना वो गिरती है, तो नीचे जाने के साथ साथ उसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। द इंड्यूस्ड करंट इज द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज। बोला गया है कि जो प्रेरित धारा होती है वो सबसे ज्यादा कब होती है भाई, ये जो है आपको पता है दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम जो लगता है फ्लेमिंग्स के, जो राइट हैंड का जो थंब रूल वगैरह था, ठीक है, वहां पर से ये क्वेश्चन है, थंब रूल जो पूछे गए हैं, लेफ्ट लेफ्ट थंब रूल ऐसे करके जो था, अमित सर इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एट राइट एंगल्स टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो
तो ये भी मतलब आप कह सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर थ्योरीज आपने फिजिक्स की अच्छे से पढ़ी, इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर होता है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसमें बहुत मतलब पूछा नहीं गया, बहुत घुस के कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन जो है पूछा गया है आवर्त सारणी में किन दो समूह के गुणों से मिलता जुलता है। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी तो आपको पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 के जो तत्व हैं जो, ठीक है, उनके गुणों से काफी है मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच इज अ स्पेशलाइज्ड एग्जीक्रेटरी सेल फाउंड इन प्लैटिहेलमिंथेस। फिर से आ गया है फाइलम के जो, एक फाइलम जो होते हैं उसके एक उस पे विशेषता पे क्वेश्चन है, फाइलम की एक विशेषता पे क्वेश्चन है, ठीक है। विशेषताएं पूछी गई है तो बोला गया है एक विशेषता देकर कि ये निम्न में से किसके बारे में बात कर रहा है। तो जो प्लैटिहेलमिंथेस होते हैं उनमें किडनी की तरह इनमें से कौन सी चीज है जो परफॉर्म करती है फंक्शन। तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो प्लैटिहेलमिंथेस में किडनी की तरह फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग दी 1915 सेशन। 1915 के दौरान जो भारत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष कौन थे, ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले 1911 की तरफ चलते हैं भाई। 1911 का सेशन हमारा हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, सबको पता है भाई, ठीक है। तो कलकत्ता में जब हुआ था तो यहाँ पर जनगणमन पहली बार गाया गया था। अब सबको पता है कि जब कलकत्ता में ये सेशन हुआ था तो जनगणमन पहली बार गाया गया था, और यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण धर ने की थी। किसने की थी, बिशन नारायण धर ने की थी, ठीक है, बिशन नारायण धर, ठीक है, बिशन नारायण धर ने पहली बार मतलब 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आ जाते हैं 1914 की तरफ, 1914 की तरफ, ठीक है। जो मद्रास है वहां पर इसकी क्या हुई थी, अध्यक्षता हुई थी। उसके बाद 1915 की बात करें जो कि यहाँ पर पूछा गया है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। 1916 लखनऊ में जो सेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की थी, ठीक है ना। 1916 का जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में की थी, जहां पर जो गरम दल और नरम दल थे वापस में मिल गए थे और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। भूपेंद्र नाथ बोस 1914 का मद्रास सेशन, ठीक है, ये बात हो गई। फिर एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, आईएनसी की अध्यक्षता की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट जो सेशंस है और उनके जो जहां पर वो हुए थे किसने अध्यक्षता की थी, कोई इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो वो एक टेबल में आप कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है भाई, पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पर इससे पहले भी क्वेश्चन अभी आपने देखा, ठीक है, सेफ्टी 2 में क्वेश्चन पूछा गया था उनके किसी सेना नायक के बारे में। अब फिर से कि उनके समय का एक ऑफिसर था उसको क्या कहते थे, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स को देखता था, तो सहनाए मंडी उसको कहते थे, ठीक है। तो ऑफिशियल जो उनके टर्म्स हुआ करते थे बेसिकली दिल्ली सल्तनत के दौरान, तो उन टर्म्स को आपको करना है। तो यहां पर क्या पॉइंट है, टर्मिनोलॉजी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ठीक है। वैसे तो ये आपको हर जगह पे करना है, लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत है यहां पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको आपको करना है। इसका ऑप्शन क्या था, 4 था। चलो, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सी वाली सही है, ठीक है। कॉप जो 28 है वो प्रपोज की गई थी न्यू दिल्ली इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो स्टेटमेंट क्या होगी भाई, बिल्कुल गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी, तो यूएई में की गई थी, दुबई में, यूएई में की गई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यूएई दुबई में ये की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट काट दो। अब जो पहला यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था, 1995 में हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दो, पहला यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हेल्ड हुआ था पेरिस फ्रांस में, नहीं बर्लिन, ठीक है, बर्लिन में हुआ था। कहां पर हुआ था, बर्लिन में हुआ था, जर्मनी के शहर बर्लिन में उसका क्या हुआ था, पहला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो स्टेटमेंट 3 भी यहां पर करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है वो केवल यहां पर करेक्ट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप्स जो होती है, उनको आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट में, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, एसडीजी वगैरह ये सब आपको करना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। किगाली जो कन्वेंशन है, इस तरह की चीजों को आपको भाई पढ़ के जाना है, पूछा जाएगा तो आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं।
कितने तरह की रिट्स को जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सबको पता है आर्टिकल 3200 या आर्टिकल 226 पे आपने क्वेश्चन देख लिया कि जब अभी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के थ्रू रिट्स को जारी कर सकता है, तो 226 था। अब उसी तरह का क्वेश्चन अगला आ गया है कि जो आर्टिकल 32 है या 226 है उसके अंडर में हम कितने टाइप्स की रिट्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो आपने पढ़ा भाई 5 टाइप की रिट्स होती हैं, डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके लिए आप 11 बजे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंस। अब सरकार के जो खर्च वगैरह होते हैं उनको कौन देखता है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। क्या लगता है भाई? अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो केस वगैरह को देखेगा ना, कोई केस वगैरह होगा तो। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट तो वो भी नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर तो है नहीं। यूपीएससी आप जानते हो कि ये एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, ये कह सकते हो कि आप आईएएस वाईएएस जो होते हैं उनके जो पेपर वगैरह होते हैं उनको कंडक्ट कराती है, एनडीए सीडीएस के, तो ये तो करेगी नहीं। लेकिन आप ये देखो यहाँ पर एक वर्ड है ऑडिटर, तो ऑडिटर ही तो ऑडिट वाले काम करेगा। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। आर्टिकल कौन सा है भाई इसका? आर्टिकल है 148। ठीक है, चलो इनका टर्म कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए कार्यरत होते हैं, प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। नेम द हॉट ड्राई ऑपरेशन विंड्स दैट ब्लो इन बिटवीन दिल्ली एंड पटना। दिल्ली और पटना के बीच में कौन सी जो गर्म हवा बहती है? तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में लू बहती है भाई, बहुत तेज गर्मियों के सीजन में। नॉर्थ वेस्टर्स जो है वो अप्रैल मार्च के लास्ट अप्रैल में कहाँ बहती है? तो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में बहने वाली ये हवा है। ठीक है, बेसिकली ठीक है, बरसात वगैरह करती है और फायदे पहुंचाती है वहां पर। ठीक है, उसी तरह की जो ब्लॉसम सार है ये कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक में होती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर, वेस्ट बंगाल, ब्लॉसम सार आप कह सकते हो, ये दोनों ही बेसिकली आप कह सकते हो केरल एंड कर्नाटक। ठीक है, केरल कर्नाटक के एरिया में करवाती है बारिश वगैरह, जबकि जो नॉर्थ वेस्टर है ये आसाम, ठीक है, आसाम हो गया या फिर आप कलकत्ता कह सकते हो, इनके एरिया में ये बहती, मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जो आईबीसी एक्ट है 2016 का, ठीक है, उसमें जो रिजोल्यू जो जो केस है उसका रिजोल्यूशन कितने दिनों में हो जाना चाहिए? तो आप पढ़ते हो 180 डेज में उसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए, 180 दिनों में उसको पूरा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वापस से 90 दिनों के लिए उसके टर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब आ गया है सीजन और मंथ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर। कुछ सीजन है उनके नाम क्या होते हैं यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो शरद ऋतु किसे कहते हैं? आपको पता है शरद, ठीक है, वर्षा ऋतु कब आती है? तो श्रावण का महीना, जब जब सावन वगैरह चल रहे होते तभी होता है। तो सी का तो 3 लगा दो ऐसे ही, और सी का 3 लगाते ही देखो ऑप्शन कितने इजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। आप 2 नंबर काट सकते हो एंड ऑप्शन 4 भी इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि ए का क्या है, वसंत कब है? चैत्र और बैसाख के पास होता है। ठीक है, वसंत का क्या बता रहा है भाई? चैत्र और बैसाख के आसपास बता रहा है। ठीक है, और ग्रीष्म क्या बता रहा है? अश्विन और कार्तिकेय बता रहा है, सॉरी, हाँ, वसंत का चैत्र और बैसाख, ग्रीष्म का ज्येष्ठ और आषाढ़। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो वसंत है वो चैत्र और बैसाख है, ग्रीष्म जो हमारा होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ में होता है, शरद ऋतु हमारी अश्विन और कार्तिकेय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो है आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये इजी क्वेश्चन है, मतलब जो भी उत्तर प्रदेश होगा या उत्तराखंड होगा यहाँ से, मतलब नॉर्दर्न इंडिया से हैं उनके लिए बड़ा इजी टर्म था। ये सारे महीने घर में 50 बार बोले जाते हैं कि ये वाला महीना चल रहा है। ठीक है, हमारे घर में बोला जाता है फिलहाल। चलो अब पुष्यमित्र शुंग पर आता है कि जिन्होंने अंतिम जो सम्राट थे मौर्य सम्राट बृहद्दत्त का सेनापति था उनकी हत्या कर दी और नए वंश का जो राजवंश स्थापित किया, क्या नाम था? तो आपको पता है शुंग वंश था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी स्थापना की थी, उनके लड़के का नाम था अग्निमित्र, जिनके ऊपर कालिदास ने पूरी बुक लिख दी थी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, चलो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना हुई थी, उसके बाद फिर सातवाहनास आ गए थे, ठीक है, साउथ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बोला गया है जो आईसीएआर का एरिड हॉर्टिकल्चर, देखो फिर से इंस्टीट्यूशन और उनके हेडक्वार्टर्स, लगातार चौथी शिफ्ट में चौथा क्वेश्चन इसी तरह का आप देख रहे हो कि क्या पूछा गया है वापस से, इंस्टीट्यूशन और उनके हेडक्वार्टर, है ना भाई? ठीक है, हेडक्वार्टर्स वापस से पूछा गया है। तो आईसीआर का जो एरिड हॉर्टिकल्चर है इसका क्या है भाई? इसका है बीकानेर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यानी ये तो करेक्टली एकदम सामने ही है।
उसके बाद जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च है वो नागपुर में है, ये भी ठीक है। कॉटन रिसर्च कहाँ पर है? कॉटन सबसे ज्यादा काली मृदा के लिए, काली मृदा में कॉटन सबसे अच्छे से उग सकता है, और काली मृदा का सबसे ज्यादा जो एक्सटेंशन है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर नागपुर हो गया। राइस रिसर्च कटक के लिए है, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार। और जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, तो इसका मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 करेक्ट मैच है सारे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट एंड हेडक्वार्टर, ठीक है, संस्थान, संस्थान कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिश्ड ईयर, ठीक है, एस्टेब्लिश ईयर, ये आपको एक टेबल ऐसे बना लेनी है, ठीक है, ऐसे करके बना लेनी है, ठीक है, यहां पर आपको लिखना इंस्टीट्यूशन, यहाँ हेडक्वार्टर, यहां पर आपको एस्टेब्लिश्ड ईयर, ठीक है। चलो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर, अगर आप बैंकिंग सिस्टम अच्छे से पढ़े हो इकोनॉमी में, ठीक है, दो ही चीजें इकोनॉमी में आपको करनी है, एक बैंकिंग सिस्टम और उसके टर्म, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम और उसके टर्म, ठीक है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सारी चीजें, फिर जीडीपी, जीएनपी, ये सारे करने, और इससे रिलेटेड इन्फ्लेशन वगैरह, इनसे रिलेटेड जो टर्म्स है वो करने हैं, ठीक है, ये अगर आपने अच्छे से कर रखा है, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट जिसमें 5 ईयर प्लान वगैरह हम पढ़ते हैं, तो ये तीन टॉपिक है, अगर आपने इनको अच्छे से करा हुआ है तो ये सारी क्वेश्चन आप इजली कर सकते हो। बेसिकली जो एनबीएफसी के लिए ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला गया था वो कब निकाला गया था भाई? वो निकाला गया था हमारा 2 दिसंबर 2011 में, ठीक है, 2 दिसंबर 2011 में वो निकाला गया था, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी वो मतलब करंट अफेयर का था। अब ये लास्ट शिफ्ट यहां से स्टार्ट हो चुकी है, यहां से लास्ट जो शिफ्ट थी वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर आप देख रहे हो कि वही जो बॉडीज होती हैं, अलग अलग संवैधानिक निकाय होते हैं, उन पर से ही क्वेश्चन है, और बोला गया है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन नियुक्त करता है, ठीक है, तो अभी आपको बताया गया था गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट किसे करते हैं? अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को, यूपीएससी के अध्यक्ष को, इन सबको प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होंगे उसको भी प्रेसिडेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर किसी भी संवैधानिक निकाय के जो आप कह सकते हो अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जो संवैधानिक निकाय होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, संवैधानिक निकाय, ये पॉइंट याद रखना है, संवैधानिक निकाय जो होंगे उनके जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, उसकी नियुक्ति ज्यादातर केस पे कौन करेगा? ज्यादातर केस पे कौन करेगा भाई? या तो अगर वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट महोदय करेंगे, और अगर स्टेट लेवल पे है तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। न्यूट्रिशनल केयर में क्या शामिल नहीं है? कुल मिला के क्वेश्चन ये बोला गया है, तो असेस करना न्यूट्रिशनल स्टेटस बिल्कुल होगा, प्लानिंग एंड जो प्रायोरिटाइज करना न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ये भी होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का न्यूट्रिशन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, और इसको असेस कैसे किया जाएगा, तो ये इसमें से हट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी बाकी तीनों जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फाइट मतलब ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं, आप चीजों को सोच पाते हो तो आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप बीरबल की खिचड़ी बनाने जाओगे तो क्वेश्चन को जरूर गलत कर दोगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसमें क्या बातें हुई थी, तो देखो करंट अफेयर से एक तरीके से लिंक्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक बात जान लो कि अगर कोई भी फैक्ट, कोई भी बात संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं है या उसकी मूल संरचना के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा बिना कुछ सोचे समझे। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड ऑल दो इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा है तो भाई वैलिड कैसे है, ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, सी हटा दो, सी हटाते ही ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, और बचा क्या आपके पास? 3, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, कोया रिबेलियन पर है, कोया रिबेलियन कब हुआ था भाई? 1874 में हुआ था, 1882 में हुआ था, 1887 हुआ था, 1879 में हुआ था, या फिर कब हुआ था, ठीक है, तो बताइए भाई कब हुआ था? तो यहां पर जो वैसे तो इसका क्या है, 1879-80 में हुआ था, ये टोम्मा टोम्मा डोरे करके थे, ठीक है, टोम्मा डोरे करके थे, उनकी लीडरशिप में ये हुआ था, ठीक है, टोम्मा डोरे करके थे, उनकी लीडरशिप में ये हुआ था, ये जो लीडर थे इसके कोया रिबेलियन के, आंध्रा वाले, गोदावरी जानते हो आप कहाँ पर है, तो ईस्टर्न आंध्रा के आसपास इसका जो है, ईस्टर्न आंध्रा के आसपास इसका जो आप कह सकते हो रिबेलियन ये देखा गया था, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या करना था, यहां पर आपको एक लिस्ट फिर से बना लेनी है भाई,
जितने भी रिबेलियंस हुए हैं, ठीक है, जितने भी रिबेलियंस हुए हैं आपको उनको एक लिस्ट में लिख लेना है, रिबेलियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईयर, ठीक है, यहाँ पर उसके लीडर और यहाँ पर उसके जो है एरिया, कहाँ पर वो हुआ था, ठीक है। ऐसे करके एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे नाम लिखते जाना रिबेलियन का, यहाँ पर ईयर लिखते जाना, यहाँ लीडर, और यहाँ पर किस क्षेत्र में वो घटना घटित हुई थी, करके 2 या 3 पेज में ये काम पूरा हो जाएगा और आगे आने वाले पेपर में आपकी काफी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो, फिर से सेंसस पे क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है। पॉपुलेशन पूछी गई है इस बार, कितनी पॉपुलेशन थी, तो 1.21 थी, इजिएस्ट, मतलब अब इसको कोई हार्ड तो बोल नहीं सकता, इजी था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट इज बाइंड, देखो इससे पहले हमने एगोनिस्ट पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट आ गया यहाँ पर, कि बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहेबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल के लिए अमित सर इस जो ये क्वेश्चन है उनको बहुत डिटेल से आगे करवाएंगे, अभी तो बस आपको एक अंदाजा मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से इनको एक सीक्वेंस में करा दिया जा रहा है। चलो, हु फाउंड एन इम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी हाफ लाइफ ऑफ एल्फा डिके एंड दी एनर्जी ऑफ दी एमिटेड एल्फा पार्टिकल्स इन 911। ये भी जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप कह सकते हो, जेजर और जो नटल थे इन्होंने इस बात को बताया था, डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक तरफ यूनिट्स दी गई है और एक तरफ जो है अलग अलग वो दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं आपको। इलेक्ट्रिक करंट आप बचपन से आते हो भाई, एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है, तो इसका तो डी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भाई आप सबको पता है, वोल्ट में हम इसको नापते आए हैं, ठीक है। तो अगर इतना भी आप कर लोगे तो देखो 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और 1 का डी सिर्फ 4 में है, आंसर यहीं खत्म हो जाता है। फिर भी जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, फेरेड होता है, और इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है, 4 का ए, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाई इस पे इतने बार आर्टिकल्स आ चुके हैं द हिंदू वगैरह में, तो आप सबको पता है कि आर्टिकल जो 44 है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बातें करता है। आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, तो ग्राम पंचायत वगैरह की बातें करता है ना। चलो भाई, अब फिर से, विच क्रॉप वर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन रेजिंग द मेडिटेरियन सी दैट कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब। तो जो मेडिटेरियन सी है वहां पर से जो शीतोष्ण साइक्लोन उठता है उसकी वजह से कौन सी फसल को भारत में फायदा होता है। तो अगर आपको पता है कि वो शीतोष्ण जो है चक्रवात कब आता है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अगर मैं आपको टाइम बता दूं कि सर्दियों में ऐसा होता है, तो आप बताओ कौन सी जो फसल होगी उसको फायदा होगा। तो सर्दियों में कौन सी फसल भारत में बोई जाती है, रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप्स को इनसे फायदा होगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी में अभी जैसे हमारी 11 AM पे ज्योग्राफी की क्लास चलती है, हर वेडनेसडे को कॉन्सेप्ट से हम लोग ज्योग्राफी को कर रहे हैं, तो आप जब ज्योग्राफी में ये पढ़ोगे तो वहां पर मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, इन 1845 विच जर्मन केमिस्ट पब्लिश द मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेटिक एसिड आर नेचुरल प्रोडक्ट कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। किसने ये बात बताई थी, हरमन कोल्बे, मर्सिलन बैथर, जो बैथर्ड क्या नाम है इनका, मर्सिलन बर्थे लॉट, जोसेफ गे लुसॉक, या फिर फ्रेडरिक वुलर ने, किसने ये बात बताई थी। तो भाई ये चीजें आपको बताई गई थी, हरमन कोल्बे साहब ने ये बात बताई थी, ठीक है, और इस बारे में ज्यादा चर्चा आपको अमित सर करेंगे अपनी क्लास में। हु हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन, तो ये बलबन का टाइटल किसने लिया था, उलूक खान ने लिया था, फिर से दिल्ली सल्तनत से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिडाइवल में। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, ये इंग्लिश में है और देन हिंदी में, कि जो SDG है उसमें क्या शामिल नहीं है। तो सबको पता है भाई, जीरो हंगर, ठीक है ना, जीरो पॉवर्टी, सबसे पहले तो क्या है कि जीरो पॉवर्टी है SDG 1 की, भूख, जो पैसा होगा, पैसा मतलब कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, सबके पास एडिक्वेट मात्रा में पैसे वगैरह होने चाहिए, ठीक है। तो जीरो पॉवर्टी है, देन जीरो हंगर है, फिर उसके बाद क्या है, जो हमारी वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल है, जो मतलब हमारी सेहत वगैरह पर है, फिर उसके बाद किसी बात करता है, SDG 4 बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, SDG 5 किसकी बात करता है, जेंडर, जो इनजस्टिस है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उनकी बात करता है, जो SDG 6 है वो बात करता है किसकी, साफ सफाई की बात करता है, कि भाई सेफ वाटर एंड ड्रिंकिंग सैनिटेशन वगैरह की बात करता है। इस तरह से जो SDG 7 है वो बात करता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा उनकी बातें करता है। इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, आर्टिकल जो SDG 13 है, 14 है, 15 है, ये सारे आपको यहाँ से करने हैं। जलवायु कार्रवाई जो SDG 13 है, ठीक है, SDG
13 हो गया, SDG 14 हो गया, ठीक है। इसी तरह महत्वपूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन किस में था भाई, क्वालिटी एजुकेशन SDG 4 में था, है ना, SDG 4 में हो गया, ठीक है। जीरो हंगर, तो ये किस में था, जीरो हंगर जीरो पॉवर्टी के बाद, यानी SDG 2 हो गया। तो ये आपको सारे SDG भाई लाइन से करने हैं, और ये सारे के सारे SDG 17 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम, भारत जो है उसका वर्णन किस वेद में किया गया था है। तो हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपको पता है ऋग्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम वर्णन किया गया था, ठीक है। भरत कुल से इसका नाम डिराइव किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, फिजिक्स का सबसे इजी क्वेश्चन है। न्यूटन बोला गया है, शक्ति की इकाई है भाई, शक्ति की अगर न्यूटन है तो वॉट किसकी होगी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। शक्ति की यूनिट जो होती है भाई वॉट होती है, यहाँ से न्यूटन तो नहीं होगी। बल की इकाई है, बिल्कुल, फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फिर से मेजरमेंट एसआई यूनिट वगैरह आपको करके जानी है भाई, है ना। चलो 17, एज्यूम दैट एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज इज 1 डॉलर। अभी मान के चलो कह रहा है कि 1 डॉलर जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 1 डॉलर है 55 रुपए के बराबर, ठीक है। 1 डॉलर हमारा 55 रुपए के बराबर है, और बाद में ये इंक्रीज हो जाता है, और जो डॉलर है वो 1 डॉलर अब बराबर हो जाता है 60 रुपए के, ठीक है। नहीं सर जी, अभी समझ में नहीं आया। पहले आप जब 55 रुपए देते थे तब आपको 1 डॉलर मिल जाता था, अभी जब आप 60 रुपए किसी को दोगे तब आपको 1 डॉलर मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में रुपए की जो जो भारतीय रुपए है उसके साथ क्या हुआ, क्या उसकी जो हैसियत थी वो बढ़ गई कि उसकी हैसियत कम हो गई। सोचो, अगर किसी की हैसियत बढ़ेगी तो आपको वो उस चीज की जो मात्रा है वो किसी और को ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। सर कम देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसकी हैसियत बढ़ चुकी है। अगर रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी तो आप किसी को कम रुपए भी दोगे तो भी वो संतोष कर लेगा, मान लेगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, एटलीस्ट मुझे मिली तो। लेकिन आपको, आप किसी को बोल रहे हो कि लो भाई 10 रुपए ले लो, ठीक है, वो कह रहा नहीं मुझे और ज्यादा दो, ये तो बहुत कम है, तो उसकी वैल्यू बेसिकली क्या हो चुकी, गिर चुकी है। तो यहां पर आप देख रहे हो, पहले आपको 55 रुपए में 1 डॉलर मिल जा रहा था, लेकिन अभी आपको 1 डॉलर लेने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि रुपए की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो गई है, गिर गई है। तो जब किसी की वैल्यू गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूड, नहीं भाई, डीमोनिटाइज मतलब तो जब वो चलन से बाहर कर दो उस नोट वगैरह को। एप्रिसिएट मतलब जब उसका मूल्य बढ़ जाए, डेप्रिसिएट जब किसी का मूल्य क्या हो जाए, घट जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, ठीक है, 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मूल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं भाई, हिंदी वाले देख लो भाई। भारत सरकार की एक नई एकीकृत खास सुरक्षा योजना के बारे में है, कि ये जो नई एकीकृत खास सुरक्षा योजना है 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को, बिल्कुल ठीक है, लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। पहली बार इसको प्रभावी करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय, बताओ न्याय का खाने पीने से क्या लेना देना है, अगर ये खाने का काम करेगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या करेगी, सीधी बात, नो बकवास, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर क्या करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या करेगी भाई, एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है ना, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सीधे सीधे आप समझ गए होगे कि इनकरेक्ट है, और सी हटाते ही देखो इसलिए आपको वापस से आंसर मिल गया है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेसिकली अभी एसएससी बना नहीं पा रहा है टफ, इजी बना रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे टफ की तरफ होता जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट दी, सरकार जब इंटरवेंस करती है किसी डिमांड को बढ़ाने या घटाने के लिए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या करना, किसी चीज को स्टेबलाइज करना, उसको स्थिर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ये रहा इंग्लिश भाई, ये रही उसकी हिंदी। ठंड के मौसम के दौरान जो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ठंडी वगैरह पड़ती है उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण हो सकते हैं, पहली बात तो हम लोगों ने जो पढ़ा था कॉन्टिनेंटल इफेक्ट जो होता है उसकी हम बात करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी क्रिएट करता है, लेकिन जो सी के आसपास होते हैं, ओशियन के आसपास जो इलाके होते हैं, वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ना बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया। हिमालय से बर्फबारी जो होती है उसके कारण जो शीतलहर चलती है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान से होती हुई ठंडी हवाएं आती है और उत्तर पश्चिमों में ठंड और कोहरे को बढ़ा देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ डे की बात कर रहा है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 8 अप्रैल को मनाया जाता है, या फिर कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है डे वाला, वैसे तो क्वेश्चन अभी तक तीनों शिफ्ट में नहीं देखा गया, लेकिन चौथे शिफ्ट में पूछ लिया गया। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है, 1948 में पहली बार से सेलिब्रेट किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलो, प्रोटीन जो है वो किसमें होता है, एग्जाम्पल उसका क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन है, इसको देखिए आराम से और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या होता है, मायोसिन में होगा। ठीक है, प्रोटीन किसमें होगा भाई, मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल हो गया है ना, कार्बोहाइड्रेट किसमें होगा, सॉरी। मिनरल्स क्या होता है भाई, हमारा कैल्शियम फास्फोरस वगैरह हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा, सॉरी जो ये गलत हो गया ना, फैट जो होगा वो हमारा कोलेस्ट्रॉल में जाएगा और कार्बोहाइड्रेट हमारा जाएगा ग्लूकोज में। भाई ग्लूकोज को जब हम वो करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल फैट का एग्जाम्पल है, मिनरल्स का एग्जाम्पल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, प्रोटीन जो है हमारा मायोसिन है, यानी ए का फोर। यहां से ही आप सीधे टू से ही आंसर खत्म हो गया, ऑप्शन टू है, प्रोटीन क्या है, मायोसिन है, और आप सीधे सीधे इसको कर लोगे, मतलब एग्जाम्पल बहुत ही इजी इजी पूछे गए थे, तो ये इजिली डुएबल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। एक तरफ ये अभी जो हम लोगों ने बात की थी स्लैश एंड बर्निंग जो एग्रीकल्चर होता है उस पर टेक्निक पे क्वेश्चन की बात की थी, और यहाँ पर देखिए वो पूछा भी गया है कि जो स्लैश एंड बर्निंग टेक्निक होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है कि अलग अलग स्टेट में उसको किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। तो पेंडा जो है उसे हम किसे, आंध्र प्रदेश में इसको हम पेंडा कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको हम क्या कहते हैं भाई, पेंडा कहते हैं। और जैसे ही आप डी का 3 करोगे तो आप देख रहे हो ऑप्शन 1 एलिमिनेट और ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, हम पेंडा कहते हैं, किसमें कहते हैं भाई, आंध्र प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, और जो है दहिया कहते हैं हम मध्य प्रदेश में। ठीक है, दहिया हम किसमें कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं। कुरुवा, कुरुवा हम किसमें कह रहे होते हैं भाई, कुरुवा हम कह रहे होते हैं झारखंड में। ठीक है, कुरुवा झारखंड हो गया। और ब्रिंगा जो बचा वो किसमें होता है, ये होता है उड़ीसा में। ठीक है, तो आपने देखा क्या 1 2 3 4 किसमें है भाई, यहां पर आपको दिख गया होगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है भाई, चलो। व्हेन वाज दी नोटा, नोटा को जो है कब पहली बार इंप्लीमेंट किया था, 2013 में ही किया गया था बेसिकली, 27 सितंबर, 27 ही था, 27 सितंबर 2013 में किया गया था, और उसके बाद एक केस आया था पीयूसीएल। ठीक है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ये केस आया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी वर्डिक्ट दी और बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, नोटा का ऑप्शन होना चाहिए, बट नोटा का ऑप्शन डायरेक्ट इलेक्शन वाले केस में होना चाहिए, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां पर नोटा का जो प्रयोग है वो फालतू का है, उसको हटा दो वहां से। ठीक है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां से नोटा का यूज नहीं होना चाहिए, कोई मतलब उसका रह नहीं जाता है। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं, तो आपको पता है प्रेसिडेंट के चुनाव के हम डायरेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, गवर्नर, गवर्नर के तो खैर होते ही नहीं है, प्रेसिडेंट हो गए। तो ठीक है, उसके बाद जो राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनका चुनाव नहीं करते हैं, तो वहां पर उन सब जो इलेक्शन होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, और वहां पर नोटा का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई केस पूछे किससे जुड़ा है तो आप बता देना ये नोटा से जुड़ा हुआ केस है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एसएससी के जो चारों पेपर, सीजीएल मेंस के चारों पेपर थे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ चीजें अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की जो एकदम सटीक तैयारी है जिसमें हम शॉर्ट एंड क्रिस्प तैयारी करते हैं, एकदम टू दी पॉइंट चीजों को लेकर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है तो आप आई एग्जाम भी में एसएससी जो हमारा सुपर पैक कोर्स है आप इसको ले सकते हो, जिसमें आपको सारी चीजें लाइन से मिलेंगी, आप वीकली जो सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट होता है वो करते हो, कई सारे इसमें मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह आपको सब लाइन से चीजें मिलती हैं, और जो एक गाइडेंस होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर इन सब चीजों के लिए आपको बात करनी है तो 9205524028 पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को कर सकते हो, और वहां से सारी चीजों को आप समझ सकते हो कि आपको इसमें बेसिकली क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वन ऑन वन सेशन जो इस पैक की सबसे खूबसूरत बात है कि आप अपने टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वन ऑन वन मतलब कोई और नहीं होगा, आप आराम से बात करेंगे और मेंटर आपको उस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बेसिकली। सो वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एकदम लास्ट थिंग पॉइंट्स टू रिमेंबर कि आपको करंट अफेयर में क्या करना था, तो वेरियस रिपोर्ट्स और इंडेक्स जरूर कर लेना,
नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जरूर कर लेना, बहुत क्वेश्चन आए थे, जो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन छोड़े थे वो इन्हीं में से थे। अपॉइंटमेंट जरूर कर लेना, स्कीम्स कौन सी आई है उसके दो तीन प्रोविजन क्या है, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो कर लेना, मिनिस्ट्री कौन सी है ये कर लेना, गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कोई उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो कर लेना, कोई बिल नया आया है, कोई संविधान संशोधन हो रहा है तो उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको कर लेना, इतने से ही काफी आपका काम चल जाएगा। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट आया है उसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है करके जाना, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। सो हमारी जो वीडियो थी उसके हमारा पूरा पॉइंट हो चुका है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, थैंक यू ऑल।